अजमेर चिकित्सा विभाग की ओर से आज ब्लॉक CHMO KK सोनी के साथ बैठक कर अपने अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर फीडबैक लिया गया और होम क्वारंटाइन और कोरोना बीमारी के लक्षण वाले लोगों पर नजर रखने के साथ ही स्क्रीनिंग को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण के लिए जयपुर निदेशालय द्वारा प्रभारी बनाए गए डॉक्टर पुरुषोत्तम सोनी ने बताया कि तमाम ब्लॉक CHMO से जिले की समीक्षा करने के साथ ही उन्हें निर्देशित किया जा रहा है कि वह इस खतरनाक महामारी को लेकर अलर्ट पर रहें और जैसे ही संदिग्ध व लक्षण वाले मरीज दिखते हैं तो उनको लेकर संवेदनशील होते हुए तुरंत कार्रवाई करें और इस बीमारी को लेकर सावधानी बरतें। इस संबंध में अजमेर जिले में बेहतर काम किया है। अजमेर में एक ही परिवार के 5 पॉजिटिव मामले डिगी बाजार में सामने आए थे, जिसके बाद 3 किलोमीटर तक कंट्रोलमेंट जोन घोषित किया गया और 5 किलोमीटर तक बफर जोन घोषित किया गया था। इस दौरान इस पूरे एरिया में 3 किलोमीटर तक सर्वे का काम 3 बार पूरा कर लिया गया है, जिसमें लोगों को होम क्वारंटाइन के साथ ही फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया, जिन पर रोजाना नजर रखी जा रही है और आंगनवाड़ी व NM के साथ ही नर्सिंग कर्मी व कर्मचारी उन पर नजर रखे हुए हैं, जिससे कि इस संक्रमण को रोका जा सके और अजमेर जिला इससे मुक्त हो सके। अजमेर में पिछले 18 दिनों से एक भी मामला सामने नहीं आया है और चिकित्सा विभाग इस बीमारी को लेकर सतर्क है और रोजाना हजारों लोगों का सर्वे किया जा रहा है। सर, आज मीटिंग की गई है, कितना लक्ष्य रखा गया है स्क्रीनिंग का, कहां कहां पे हुए, अब तक क्या व्यवस्था की? अजमेर जिले के अंदर जो 5 पॉजिटिव केस निकले थे वो डिगी बाजार शहर के अंदर निकले थे, तो उसके अंदर हमने पूरी उनका 3 किलोमीटर कंटेनमेंट जोन बनाया था, 5 किलोमीटर बफर जोन का बनाया था। तो कंटेनमेंट जोन के 3 राउंड का सर्वे पूरा हो गया है, बफर जोन का सर्वे भी पूरा हो गया है, लेकिन ज़िले के अंदर सावधानी रखने के हिसाब से सारे ब्लॉक CMO को हमने बुला रखा है और इनको भी अपने अपने पूरे क्षेत्र के अंदर पूरा प्लान बना के सारी एक्टिविटीज़ रेडी रखने के लिए इसलिए कहा हुआ है कि जब भी कोई मरीज अगर संभावित निकलता है तो उसका कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के हिसाब से तुरंत ये सर्वे कार्य करवा सके, रैपिड रेस्पॉन्स टीम वहाँ जाके उसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या मरीज के परिवार वालों की पूरी हिस्ट्री लेके उनकी आगे की गतिविधियाँ, उनकी जांच वगैरह करवा सके, पूरे एरिया की लोकेशन को सील करवा के प्रशासन के सहयोग से आगे की कार्रवाई पूरी करवा सके ताकि जो इन्फेक्शन है वो कहीं आगे स्प्रेड नहीं करें। ये सारी गतिविधियाँ करने के लिए हम सारे ब्लॉक CMO को पहले भी एक दिन बुला के सेंसिटाइज किया था, आज सारी उनकी क्या क्या तैयारी उन्होंने कर ली और आगे क्या क्या उनको करना है उसके बारे में जानकारी दी है।